मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। अपने बुंदेलखंड दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहां के लोगों को दिए हैं ढेर सारे तोहफे। मुख्यमंत्री ने कालपी राजमार्ग संख्या 91 का लोकार्पण किया। इस दौरान 108 योजनाओं का भी लोकार्पण हुआ और साथ में 36 योजनाओं की आधारशिला भी रखी गयी। लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंच पर पीडब्ल्यूडी मंत्री श्रीपाल यादव और राजेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। मंच से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बुंदेलखंड के लोगों के विकास के लिए तत्पर है। सीएम अखिलेश यादव ने इसकी सरकार की उपलब्धियां बताई तो वहीं विरोधी दलों पर तंज भी कसा। सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड हमेशा समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता रहा है और इसी के लिए पिछले सरकार के पूरे कार्यकाल में विकास कार्य हुआ है। मेडिकल कॉलेज हो या फिर सड़क हो, हर ओर सरकार प्रयास कर रही है। तो ये कार्यक्रम जो आज बुंदेलखंड में थे, 108 योजनाओं का लोकार्पण तो 36 योजनाओं का शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री ने और साथ में बुंदेलखंड को सोलर पावर प्लांट की सौगात भी दी है। तो हर रोज इससे 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा जिससे कई घरों में रोशनी पहुंचेगी और साथ में कालपी राजमार्ग संख्या 91 को यहां पर लोगों को समर्पित किया। कन्या विद्याधन और श्रमिकों को साइकिल का तोहफा भी यहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया। कृषक दुर्घटना बीमा, एसपी पेंशन का परिचय पत्र भी लाभार्थियों को वितरित किए गए। तो ये 5 तस्वीरें आप देखिए बुंदेलखंड दौरे की। जालौन की तस्वीरें हैं वो सोलर प्लांट जो हर रोज 50 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करेगा, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसके अलावा श्रमिकों को जो साइकिल बांटी गई है वो भी यहाँ पर कतारबद्ध हैं। और जब मुख्यमंत्री मंच से बोल रहे थे, एक के बाद एक ऐलान कर रहे थे, तो यहाँ इस बीच मौजूद लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कर रहे थे। इतने बड़े पैमाने पर बिजली कहीं नहीं बन रही होगी जितनी आपके बुंदेलखंड ललितपुर में बनने जा रही है। जहां सूरज से बिजली बनने वाला काम, कोयले से और बुंदेलखंड में थोड़ा बहुत पानी से भी बिजली बनाने का इंतजाम है। और अगर बिजली पहुंचानी है तो तारों का बेहतर इंतजाम करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर अच्छे लगाने पड़ेंगे और सब स्टेशन का भी इंतजाम करना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर हम सब स्टेशन लगातार बनाने का काम कर रहे हैं, सूखे में भी मदद करेंगे। अभी उतनी तकलीफ नहीं है लेकिन असली तकलीफ आएगी आपको मार्च अप्रैल मई जून में लेकर के। हम सरकार अधिकारी और अपनी तमाम पार्टी के साथियों से कहेंगे कि जो तकलीफ में उसकी मदद करने का काम करना और जो सहयोग आप चाहते हैं सरकार की तरफ से, हम बुंदेलखंड के लोगों को पूरा सहयोग करने का काम करेंगे। बड़ी कुर्सी दे दी लेकिन बताओ बुंदेलखंड के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए क्या मिला है? हम तो कहते योजना आयोग ही बेहतर था। नीति आयोग के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो उत्तर प्रदेश का हुआ है। और दूसरी वो एक घाटी वाली पार्टी है, लखनऊ में देख लेना, पूरा पैसा विकास का लगा दिया पत्थरों पर और जो हाथी खड़े थे वो आज तक बैठे नहीं और बैठे वाले आज तक खड़े नहीं हुए हाथी। अभी आरोप लगाया कि जन्मदिन मना है। जन्मदिन अपनी बुआ को मैंने जवाब दिया कि देखो जन्मदिन नेताजी का उनके बेटे ने मनाया है और अगर आपको मनाना है तो आप भी मनवा लो किसी से। कोई सरकारी पैसे से जन्मदिन नहीं मना और आपका तो जन्मदिन मनता था, कंटेंजेंसी फंड्स निकलता था, कंटेंजेंसी जो बहुत इमरजेंसी में पैसा निकाला जाता है। तो केंद्र पर निशाना साधा तो बहुजन समाज पार्टी को भी नहीं बख्शा अखिलेश यादव ने। शिलान्यास होने से पहले सीएम अखिलेश यादव ने सोलर प्लांट का शिलान्यास किया। समाचार प्लस के संवाददाता ने इस सोलर प्लांट का जायजा लिया जो हर दिन 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज जालौन में 50 मेगावाट के एक सोलर प्लांट का लोकार्पण किया है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में विकास ही समाजवादी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है। पूरी तरह से इस सोलर पावर प्लांट से बिजली की जो सप्लाई है वो की जाएगी। इस वक्त अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, सीईओ हैं। सर कितना फायदा होगा इससे, खासतौर पर जो बिजली उपभोक्ता है उनको? इससे प्रतिवर्ष 9 करोड़ यूनिट बिजली बनेगी जिससे कि 25,000 घरों में बिजली की सुविधा मुहैया कराई जा सकती है। और क्या कुछ खासियत है इस पावर प्लांट की? ये पावर प्लांट जो पर्यावरण की शुद्धता के लिए हर साल 45,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस कम करेगा। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, बुंदेलखंड की जनता के लिए एसएल ग्रुप की तरफ से ये उपहार।
तो मुख्यमंत्री ने आज इसका लोकार्पण किया है और पूरी तरह से अगर हम पावर प्लांट की बात करें तो एक बेहतर कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के लोगों के जो एक तोहफा है वो जरूर दिया है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ अमितेश श्रीवास्तव, समाचार प्लस, जालौन। और इसी बीच एक बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव का आया है बड़ा बयान। राजधानी लखनऊ में कहा है कि 2017 में नहीं बनी तो कभी नहीं बनेगी सरकार। अखिलेश सरकार ने उम्मीदों से बढ़कर किया है काम। तो मुलायम सिंह यादव ने की है अखिलेश सरकार की जमकर तारीफ, तो साथ में आशंका भी जताई है कि अगर अगले साल फतेह नहीं कर पाई यूपी तो फिर कभी नहीं जीत सकते। मुख्यमंत्री के कामकाज से काफी खुशी जाहिर करते मुलायम सिंह ने कहा कि मैं उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव इतना बेहतर काम करेंगे। सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस वे जैसी योजना शुरू की, मेट्रो का मैंने विरोध किया था लेकिन अखिलेश यादव मेट्रो को ले आई। यूपी सरकार की अलग छवि बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे और राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया है और कहा है कि गरीबों की मदद करनी है, दोबारा सरकार बनाने का संकल्प लेना है तो चुगलखोरों से दूर रहे अखिलेश यादव। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब भी कोई नसीहत दी जाती तो बार बार चापलूसों से और चुगलखोरों से दूर रहने की नसीहत जरूर देते हैं मुलायम सिंह यादव। संजय राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संजय, एक बड़ा बयान यहाँ पर, तारीफ तो की है लेकिन ये भी कहा है कि अगर अगले साल नहीं आए तो फिर कभी नहीं आएंगे। जी हाँ, निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि 2017 को लेकर के आज मुलायम सिंह यादव ने जहां युवाओं को नसीहत दी है वहीं हौसला अफजाई भी की है और इस बात को बिल्कुल साफ तौर पर इस मंच से कहा है कि अगर 2017 में इतना काम करने के बावजूद अगर सरकार नहीं बनती है समाजवादियों की तो फिर कभी नहीं आएगी समाजवादी पार्टी। कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव आज एक अपने ही अंदाज में नजर आ रहे थे, क्योंकि अमूमन पिछले अगर 6-7 महीने की बात की जाए तो हर मन से अखिलेश सरकार की जमकर मजम्मत करते थे मुलायम सिंह यादव, लेकिन आज पहली बार उन्होंने ये माना है कि बतौर मुख्यमंत्री सीएम अखिलेश यादव ने उम्मीद से ज्यादा बेहतर काम करके दिखाया है और जाहिर सी बात है इस काम के बदौलत लोगों के बीच में जाना है। हालांकि एक बात और भी है प्रीति, निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव ने युवा कार्यकर्ताओं को ये नसीहत दी है कि बेहतर छवि बना करके वो पार्टी के मिशन में जुड़े, क्योंकि अगर बेहतर छवि नहीं होगी तो लोगों का प्यार हासिल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बीच बीच में एक नसीहत भी मिलती थी, फटकार भी मिलती थी और सबके बीच एक हौसला अफजाई करने का काम आज मुलायम सिंह यादव ने इस युवा सम्मेलन के जरिए किया है। चलिए, लेकिन संजय, 80 परीक्षा तो जनता करेगी पास फिल का निर्णय, लेकिन मुलायम सिंह यादव फिलहाल खुश है मुख्यमंत्री के कामकाज से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।